बाद में देखे किचन में आ गई हूँ और रेसिपी मटन बनाने जा रही हूँ। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? आज मैं देखिए किचन में आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि कुछ नई रेसिपी बनाती हूँ। नई क्या है, मेरी घर की पुरानी रेसिपी है, लेकिन सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे तो मैं खाना बनाती हूँ लेकिन अब मेरा बहुत कम हो गया है क्योंकि इतना मैं कर नहीं पाती हूँ। हाँ, कोई ख़ास कुछ बनाना होता है तब बनाती हूँ, नहीं तो मैं तो चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग भी बनाइएगा, बना के बताइएगा कि कैसा बना। आज मैं अपनी घरेलू रेसिपी मटन बनाने जा रही हूँ कि हम लोग स्पेशल अलग तरह से कुछ बनाते हैं, वो आपको शेयर करती हूँ कि मटन हम लोग घर में कैसे बनाते हैं। ये मेरी पुरानी, मेरी माँ के टाइम से रेसिपी चली आ रही है। ये मैंने 1 kg मटन मंगा लिया है निश्चित से, क्योंकि यहाँ बाहर जाने का तो होता नहीं है तो हम लोग लिशे से ही मंगा लेते हैं। और ये मेरे मसाले हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको क्या करना है। मेरे गर्म मसाले हैं, ये लाल मिर्च है, ये लहसुन है मेरे, और ये प्याज है, ये धनिया पत्ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये गर्म मसाला मैं इसे हल्का तवे पे रोस्ट करके फिर इसे मैं पीसूँगी। ये जो मेरी लाल मिर्च है ये मैंने ये इसमें ऐसे ये तोड़ करके इसके बीज ऐसे यूँ निकाल करके ये रखे हुए हैं, ये मैंने करके रखा हुआ है। और ये बीज ऐसे इसके तोड़ के निकालने होंगे आपको, बीज इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये प्याज है मेरे 4, 5, 6, 7, कम नहीं है, शायद थोड़ा ज़्यादा ही होगा, है ना। और ये मेरे लहसुन है छिले हुए, ये लाल मिर्च तो आपको मैंने बताई है, ये गरम मसाले हैं, 2 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च है, ये लौंग है, ये जावित्री है, ये साबुत धनिया है, ये थोड़ा सा जीरा है, और ये तेज पत्ता है। इसे मैं रोस्ट करूँगी और इसे मैं पानी में भिगो करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी। ये आप कट करने का देख लीजिए, ऐसे पतला पतला और लंबा लंबा कट करेंगे, पतला होना चाहिए, मोटा नहीं, छोटे टुकड़े नहीं करते हैं, बस ऐसे ही। लहसुन को हमें कट नहीं करना है क्योंकि इसे हमें पीसना है, और ऐसे ही ये सारे प्याज कट कर लेंगे। मैं ये करती हूँ जब तक मैं ये इसे पानी में भिगो के रखती हूँ। ये मैंने पानी में इसे भिगो दिया है। अब ये थोड़ी देर जब तक कि मटन मेरा होगा, सीटी होगी, जब तक ये भीग के जाएगा फिर इसे मैं पीसूंगी। मैंने प्याज कट कर लिया, इतना कट के इतना हो गया है, ये पतला पतला कटा हुआ है। और अभी मैंने कुकर रख दिया गैस पे, कुकर मैंने चढ़ा दिया और गैस भी ऑन कर दी है। अब मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, और तेल बहुत नहीं डालूंगी एक बार में क्योंकि बाद में मैं इसमें देसी घी डालूंगी, तो बस इतना ही तेल डाला हुआ है मैंने, क्योंकि बाद में इसे घी में फ्राई करना होगा हमें, तो तेल को हमें पकाना भी नहीं है, बस डायरेक्ट सब प्याज और मटन और नमक बस इतना ही डालना है घी में। तो ये हमें तेल को पकाना नहीं है, बस तेल डाला हमने और ये प्याज डाल दिया, अभी हम इसमें मटन डाल दें। ये मटन हो गया, अब इसमें नमक डाल के और आपको दिखाती हूँ कि कितना थोड़ा सा पानी डालना है। अभी मैंने इसमें तेल डाला, गर्म नहीं करना था उसे, प्याज डाला, मटन डाल दिया, और अभी बस इतना सा पानी ताकि स्टीम बन जाए, क्योंकि प्याज है ना वो खुद ही अपना पानी छोड़ेगा, तो हमने पानी की जरूरत नहीं है इसमें। और अपने हिसाब से जैसा टेस्ट हो वैसे उस हिसाब से नमक डालना है, तो ये मैं नमक डाल देती हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है।
एक बार ही चला के, नहीं भी चलाते तो भी कोई बात नहीं, वो तो पानी प्याज छोड़ेगा तो सब मिक्स हो जाएगा। अब मैं ये सीटी लगा देती हूँ, 3 सीटी के बाद इसे मैं बंद कर दूंगी। कितने? 3 सीटी। बस जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूँ। ये मैंने फुल पे रखा हुआ है अभी, है ना, 1 सीटी हो जाएगी तो इसे थोड़ा सा सिम पे करके 1 सीटी हो जाएगी, फिर फुल पे करके 1 सीटी बस। बता, ये मैं मसाले जो अभी आपको दिखाए ना, ये मैं रोस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राउन निकलना नहीं तो फिर वो काला पड़ जाएगा। थोड़ा सा करके फिर इसे मैं पीस लूँगी, पीस के रखती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसे कब डालूंगी। ये मेरा हो गया गरम मसाला, क्योंकि अब इसमें जो है ना रोस्ट होने की महक भी आने लगती है, इससे भी पता चलता है कि ये हो गया है। तो मैं बंद कर देती हूँ और इसे फिर पीसने के लिए मिक्सी में डालती हूँ। हाँ, एक बार चेक करना जरूरी है कि स्टीम बन भी रही है कि नहीं, है ना। अभी तो नहीं हुई है, होती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं मसाला पीस लेती हूँ। अभी और अच्छे से बिल्कुल महीन पीसना है इसे। ये देखिए मेरा गरम मसाला तैयार हो गया है, एकदम महीन सा। कुकर की भी मेरी सीटी 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 आ गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। मसाला तैयार हो गया है। अब मैं ये लहसुन पीस रही हूँ, और लहसुन पीसने के बाद फिर मिर्च पीसूंगी, क्योंकि वो सारा मिर्च है ना, हालांकि मिक्स तो करना है पर फिर भी अलग ही पीसते हैं लोग। तो पहले मैं ये लहसुन पीस लेती हूँ। हो गया है ना। अब ये लाल मिर्च जो मेरी भीगी हुई है ना, वो मैं पीस लेती हूँ। बल्कि ये पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मटन में पानी ऑलरेडी छूट चुका होगा ना प्याज की वजह से, तो ये पानी रख लेती हूँ। यही पानी बाद में डाल दूंगी, आपको दिखाती हूँ कैसे। अब ये पीस लूँ। ये मेरा मिर्च पीस गया है। थोड़ा सा इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाल दिया था, यही वाला जो था, और ये पानी अभी रोका हुआ है। अभी मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ, मटन का कुकर का। अब ये सीटी तो मैंने चीन कर दी थी, अभी ये पूरा पका नहीं होगा। ये फिर हम अभी डालते हैं इसमें लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा हुआ है। ये गैस ऑन कर दी है मैंने अब, और अब ढक्कन खोल करके इसे इसका पानी सुखाना है मटन का। लहसुन का पेस्ट हो गया, ये जो लाल मिर्च पीसी हुई है ये हो गई मेरी। अच्छा, लाल मिर्च इसमें ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत कड़वा हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारा प्याज है इसमें। पानी डालना नहीं है इसमें, क्योंकि पानी तो खुद से ही पहले से ही है। ये मिर्च निकालनी है इसमें से, किसी क्योंकि हाथ डालेंगे तो हाथ में बहुत जलन आती है। अब इसे एक बारी चला करके छोड़ देते हैं, और बीच बीच में भी चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि नीचे से वो लगने लग जाए। इसका पानी जब बिल्कुल करीब करीब सूखने लग जाएगा तब मैं इसमें घी डालूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं इसमें
कि शायद मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम डाली है, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का ही कलर आता है और प्याज की वजह से कड़वापन नहीं होता है पर कलर आता है, तो मैं थोड़ा सा ये पिसी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ ताकि कलर, क्योंकि हल्दी नहीं पड़ती इसमें, हल्दी धनिया कुछ भी नहीं। ये एक बार देख लीजिए कि अभी इतना पानी है और इस पानी को जब थोड़ा सा सूखने वाला होगा तब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। अच्छा, जो लोग बहुत कम मिर्च खाते हैं ना वो लोग कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, वो भी आती है साबुत, तो इसकी जगह वो कश्मीर, क्योंकि फिर उससे रंग आ जाएगा ना। इसी बीच बीच में ना देखते रहना है कि अभी कितना पानी है, और ऐसा तो नहीं कि नीचे से चिपक रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये खोल के पकाना है, इसे भाप उड़ेगी तो उतनी जल्दी पानी भी सूखेगा। अभी पानी देखिए काफ़ी सूख चुका है, ये देखिए है ना, तो अब मैं इसमें घी ऐड करती हूँ आपको दिखाती हूँ। अब ये बहुत जल्दी सूखेगा, घी के साथ फ्राई होगा ना ये, तो बहुत जल्दी जब बिल्कुल पानी सूख जाएगा लगेगा कि एकदम घी अलग है तेल अलग है, तब फिर इसमें हम गरम किया हुआ पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, और ये जो हमने मिर्च का बचाया हुआ है ये भी उसमें ऐड कर देंगे। पानी तो अपने अकॉर्डिंग डालना होगा, किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है, तो वो तो अपने, हम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं और ना कम बीच का ही रखते हैं। हो तो गया है करीब करीब, काफ़ी हो गया है लेकिन घी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं आधा चम्मच और ऐड कर देती हूँ, आज भी सिम पे कर देती हूँ। ये देखिए अब ये बिल्कुल पानी एकदम सूख गया है और अच्छे से फ्राई हो गया मटन, है ना, और बल्कि चाहें तो इसे आप सूखा भी निकाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है सूखा खाने में। और मैं तो वैसे इसमें ये पानी भी मेरा हो गया अब, और ये पानी इसमें ऐड करती हूँ, ये मिर्च वाला पानी है, मिर्च वाला उतना नहीं था उसमें थोड़ा और भी मैंने ऐड किया है, और ये जो गर्म मसाला है सबसे लास्ट में ये डालूंगी मैं जो पीस के रखा है अभी। हाँ ये मैं पानी डालूंगी, मैं तो अपने अकॉर्डिंगली डालूंगी नहीं, जितना चाहिए होता है। मैंने पानी जो अभी बॉयल किया इस ग्लास से डेढ़ ग्लास पानी था मेरा, तो वो मैंने पूरा ही डाल दिया, और ये जो गरम मसाला मैंने पीसा था अब ये सबसे लास्ट में ये मैं डालूंगी, और ज़्यादा नहीं बस ये इतना, बाकी तो मेरा बचा हुआ रखा रहेगा। ये हो गया और थोड़ी सी धनिया, ज़्यादा नहीं, वो भी ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बस, और इसलिए उबाल नहीं लग गया बस। ये मटन मेरा कंप्लीट हो गया है, हम लोग तो पानी कम रखते हैं इसलिए मेरा कम है, वैसे जिसको जितना चाहिए उतना रख ले, है ना, और बताइएगा कि कैसा लगा, ट्राई करिएगा आप लोग और बताइएगा जरूर मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हिम्मत आएगी, चलो हम बता सकते हैं, मिर्च बहुत लग गई गले में। ओके बाय, नमस्ते।